बड़ी खबर वाराणसी से। ज्ञान वापी परिसर में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में परिसर में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। ज्ञान वापी में सर्वे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और आपको बताएं टॉर्च की रोशनी में अब तहखाने में दाखिल होने की खबर आ रही है। बिजली नहीं है, ऐसे में टॉर्च लेकर के सर्वे टीम तहखाने में दाखिल हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 4 घंटे तक चलने वाले इस ऐतिहासिक सर्वे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और अब फोन इकट्ठा कर लिया गया है, फोन लेकर के नहीं जाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में तहखाने में दाखिल होने की खबर आ गई है। चलिए जानकारी लेते हैं सहयोगी मोहम्मद मोइन से, जो भीतर से आ रही अपडेट्स पर भी नजर बनाए हुए हैं। मोइन, क्या जानकारी? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सर्वे टीम है ठीक 8:15 बजे मस्जिद परिसर में दाखिल हो गई थी। पहले जो ज्ञानवापी मंदिर का, काशी विश्वनाथ धाम का 4 नंबर गेट था, वहां पर सब इकट्ठे हुए थे। उसकी जो गैलरी है वहां पर बैठ करके सभी पक्षों का इंतजार किया जा रहा था। जो प्रक्रिया है उसके पूरी उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक ठीक 8:15 पर जो सर्वे टीम है वो मस्जिद परिसर में दाखिल हो गई थी। अभी जो सर्वे टीम है वो ऊपरी हिस्से में है, यानी जो मस्जिद का गर्भगृह है, जो बरामदा है, जो आंगन है वहां पर है, और अब नीचे जाने की तैयारी की जा रही है। एक और खास बात आपको बता दें कि जो चौक थाने की पुलिस है उसने सुबह ही 3 लोगों को बुला लिया था। 3 वो लोग थे जो कि ताला तोड़ने के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और ऐसा इसलिए बुलाया गया था ताकि अगर चाबी ना मिले, चाबी का बहाना बनाया जाए तो ताले को तोड़ दिया जाए। तो 3 वो लोग मौजूद हैं उस जगह पर गेट के पास, जिनको जरूरत पड़ने पर जिनसे ताला तोड़वाया जाएगा। तो 2 अहम खबर कि सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, ज्यादातर लोग मस्जिद परिसर में पहुंच चुके हैं, अभी जो टीम है वो ऊपरी हिस्से में है, यानी जहां पर मस्जिद नमाज अदा की जाती है, मस्जिद का गर्भगृह है, बरामदा है, और साथ ही साथ जो आंगन है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 3 मतलब ताला चाबी बनाने वालों की टीम जो है वो भी गेट पर मौजूद है। चौक थाने की पुलिस उनको अपने साथ लेकर के आई हुई है, और जैसे ही जरूरत पड़ती है अगर चाबी नहीं मिलती है तो ताले को, जो तहखाने का ताला है, उन तालों को तोड़ दिया जाएगा और टीम जो है किसी भी वक्त अब नीचे तहखाने में दाखिल हो सकती है। तो ये 2 अहम जानकारियां इस वक्त की है। तो सर्वे शुरू हो चुका है, यानी आज जो पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी उस पर आपको अहम जानकारी दे दें कि सर्वे अब से ठीक 11 मिनट पहले सर्वे टीम जो है वो मस्जिद परिसर में दाखिल हो चुकी है, और जो विवादित परिसर है उसका सर्वे शुरू हो चुका है। चूंकि आसपास किसी को फटकने भी नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रक्रिया चल रही है, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके पास भी कुछ पुख्ता जानकारी है। जी बताइए, जानकारी ऐसी आ रही है कि 11 मिनट पहले जो टीम है वो अंदर दाखिल हो चुकी है मस्जिद परिसर में, और सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, सर्वे की प्रक्रिया इसलिए देर से शुरू हुई कि जो प्रतिवादी पक्ष के वकील है उन्होंने बहुत देर कर दिया आने में। कारण ये था कि वो जो हमारी बात हुई यादव से, जो प्रतिवादी पक्ष के वकील है भाई अभय यादव, उनका ये कहना था कि मेरा मन नहीं है। मैंने कहा कि आपका मन क्यों नहीं है भाई, ऐसी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, सर्वे हो रहा है और पूरे देश पूरे विदेश की नज़र है ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर। और आप एक और अहम जानकारी है कि सर्वे टीम मस्जिद परिसर में दाखिल हो गई है, अभी ऊपरी हिस्से में है, तहखाने में जाने की तैयारी में है, और जो चौक थाने की पुलिस है 3 कारीगर को अपने साथ लाई है ताकि अगर चाबी ना मिलने की बात कही जाए तो ताले को तोड़ दिया जाए। यानी आज साफ मतलब आज प्रशासन पूरी तैयारी के साथ यहां पर आया। जी, कोर्ट का आदेश है ताला तोड़ दिया जाए, चाबी ना मिले। पिछली बार चाबी नहीं मिला था, चाबी नहीं मिलने की बातें कही गई थी कि चाबी नहीं मिल रहा है, और चाबी भी ऐसा है, ताला भी ऐसा है कि जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बीपी गंगा को बताया कि चारों तरफ सीकड़ लगा दिया गया है, लोहे की जाल लगा दी गई है ताले के साथ साथ, तो सीकड़ भी टूटेगा और वो जाल भी टूटेगी और ताला भी टूटेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो चाबी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि तहखाने में आखिर क्या है, ऐसा तहखाने में क्या है कि जिसे छुपाया जा रहा है। वक्त है 1995-96 में भी यहां सर्वे हुआ था और सर्वे को रोक दिया गया था, हंगामा हुआ था और हंगामे की वजह से ये सर्वे रोक दिया गया था। वक्त बदल चुका है, दौर बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, बुलडोजर बाबा की सरकार है, और उस समय सरकार अलग थी। बादल चटर्जी बहुत प्रसिद्ध यहां के अधिकारी रहे हैं, यहां एडीएम थे, उनके समय में हंगामा इतना हुआ
कि यहाँ पर सर्वे रोक दिया गया, लेकिन आज सर्वे नहीं रुकेगा। वीरेश जी, सर्वे शुरू हो चुका है, जो एबीपी गंगा के पास पुख्ता जानकारी है कि सर्वे शुरू हो चुका है। 13 मिनट पहले टीम दाखिल भी हो चुकी है मस्जिद परिसर में, यानी उम्मीद ये जताई जानी चाहिए, जैसा आप बता रहे थे कि बुलडोजर बाबा की सरकार है, कि आज किसी तरीके का विरोध नहीं हो पाएगा, आज सर्वे की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो जाएगी, इसी उम्मीद की जानी। आपको नहीं लगता ये जो छावनी में तब्दील है, ये पुलिस के लोग हैं, जो बख्तरबंद पुलिस के लोग हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं, हाथ में डंडा भी है, कि जो इस तरह का उत्पात मचाएगा उसे समझा भी दिया जाएगा। ये लाइन लगा के कतारबद्ध तरीके जो दर्शनार्थी हैं वो दर्शन कर रहे हैं। एक गेट खुला हुआ है, बाकी गेट बंद किए गए हैं कानून व्यवस्था के मद्देनजर। मुख्यमंत्री अभी शहर में है, कल उन्होंने बैठक की थी, बड़ी बैठक की थी, अधिकारियों की नकेल कसी, उन्होंने यहाँ के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से बात की, यहाँ के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से बात की, कौशल राज शर्मा जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे बात की, और सख्त लहजे में उन्होंने कहा, और आपको दर्शकों को एक और एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं कि पिछले जुमे शुक्रवार को जो यहाँ पर हंगामा खड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया था, मुख्यमंत्री खुद बात किया था एसीएस होम अवनीश अवस्थी से, डीजीपी जो तत्कालीन थे उनसे बात किया था, मुकुल गोयल से बात किया था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात किया था, उन्होंने कहा था हंगामा कैसे हो गया, कैसे दुर्व्यवस्था हो गई, कानून व्यवस्था का उल्लंघन कैसे हो गया, कैसे उपद्रवी यहाँ बास फाटक। वीरेश जी, आपके सूत्र तो बहुत पुख्ता होते हैं, कदम कदम पर होते हैं, बहुत अंदर तक की जानकारी दे देते हैं, तो अपडेट कोई जानकारी है, क्योंकि करीब 15 मिनट पहले ही टीम दाखिल हो चुकी है मस्जिद में, अंदर से कोई जानकारी आपके पास अभी आई है क्या? देखिए, अंदर की जानकारी ये है कि उस ताले को लेकर जद्दोजहद चल रहा है, जद्दोजहद चल रहा है, अभी भी चाबी नहीं मिल रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं, यहाँ के कुछ जो स्थानीय निवासी हैं वो आसपास मंडरा रहे हैं, और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर ही देखने को मिलेंगी, और वो तस्वीरें होंगी अंदर की, सर्वे की तस्वीरें होंगी, हमारे तक पहुंचेंगी। आप अपनी बातों को जारी रखिए, लेकिन आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीर एबीपी गंगा की स्क्रीन पर है। दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यही पर टीम दाखिल है, और इसी परिसर पर एबीपी कैमरा, एबीपी गंगा के कैमरे से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ चहलकदमी है और किस तरीके का माहौल है इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमारे दो सहयोगी लगातार जिसका जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं सर्वे की टीम का, और वो सर्वे की टीम कहाँ दाखिल हो रही है ये भी हम आपको दिखाते चले, बताते चले, और इसी मद्देनजर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको परिसर की दिखाई है। इसी परिसर के भीतर सर्वे की टीम पहुंच गई है अपने कैमरों के साथ, और इसके हर एक क्षेत्र की जहां जहां से परमिशन लेकर के आई गई है वहां वीडियोग्राफी सर्वे होगी। तहखाना, बरामदा और ऊपरी हिस्सा जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, ये तीन बड़े हिस्से कवर होंगे और इन तीनों हिस्सों पर वीडियोग्राफी होगी। टीम के पास अपना मोबाइल नहीं रहेगा, टॉर्च की रोशनी में जाना होगा अगर बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये तमाम बड़ी जानकारी मस्जिद परिसर से आ रही है, और चलिए अब रुक करेंगे नीतीश का, हमारे सहयोगी नीतीश बने हुए हैं, उनके कैमरे में क्या तस्वीरें हैं, उनके पास क्या जानकारी है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी नीतीश, बताइए। लता, इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ से आपको मैं जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी तस्वीरें दिखा सकता हूँ। आप देखिए, बिल्कुल साफ हमारे कैमरे में ये मस्जिद की तस्वीरें, और आपको ये बैरिकेडिंग भी दिखाई देगी, सामने जो बैरिकेडिंग है वो आपको दिखाई देगी, विशेष जरा सा क्लोज करें, और इस बैरिकेटिंग के ठीक पीछे का जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वे की टीम उसी के नीचे जो तहखाना मौजूद है वहाँ पर पहुँचेगी। तो जिस मस्जिद के सर्वे की बात, यानी जिस ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की बात कही जा रही है वो एबीपी गंगा के कैमरे पर, और आपको बता दें कि सर्वे की टीम अभी जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले जो तहखाना है उसका सर्वे शुरू किया जाएगा, इसके साथ ही अगर बात करें तो टॉर्च ले जाया गया है ताकि अगर जो अंधेरा अंदर है तो सर्वे में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आप देखिए, ये हम टॉप एंगल से ये जो मस्जिद है, जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ये आपको पूरे परिसर की तस्वीरें सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। और आपको बताया स्नेहलता कि आज के वादी पक्ष की मैं बात करूँगा, तो आज वादी पक्ष से जो तीन महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ ही अगर लक्ष्मी देवी की बात करें तो लक्ष्मी देवी के पति मौजूद हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दिया है, राखी सिंह मौजूद नहीं है तो उनके अधिवक्ता मौजूद हैं। तो तीन, अगर वादी पक्ष की बात करें तो वहां से तीन महिलाएं, उनके अधिवक्ता, और इसके अलावा अगर बात करें तो वादी पक्ष से जो पांच वादी हैं, पांच वादियों के अधिवक्तागण, उनके जो सहायक अधिवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं,
कैमरा टीम है और कैमरा टीम के साथ उनके सहायक मौजूद हैं, प्रशासन की टीम है और यही जो स्वरूप है वो प्रतिवादी पक्ष की ओर से भी है। यानी 36 लोग लगभग इस पूरे सर्वे के दौरान मौजूद हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये मस्जिद परिसर है यहाँ पर आपको सुरक्षा की भी कड़े इंतजाम दिखाई देंगे। विशेष जरा सा वो सुरक्षा का जो वहाँ पर जो इंतजाम है, जो वहाँ पर सुरक्षा के जो जवान तैनात थे उनको भी जरा क्लोज करके दिखाएं। अब देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है, भारी सुरक्षा की यहाँ पर व्यवस्था है और किसी को भी कहें तो किसी को भी ऐसी अनुमति नहीं है जो अव्यवस्था के रूप में सामने आए। तो आज इस सर्वे को लेकर, इस बड़े सर्वे को लेकर पूरे दिखाई दे रहा है जहां पर टीम इस वक्त दाखिल है। कुल 36 लोगों की मौजूदगी दर्ज हो सकती है, ये आपने जानकारी दी है। लेकिन जो सुरक्षा के फ्रंट एंगल की बात करें तो उन तस्वीरों के साथ ब्यूरो चीफ वीरेश मौजूद हैं। वीरेश का रुख करेंगे और उनसे समझेंगे।